बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, क्लास फर्स्ट ईयर। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 9, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि इसमें हम ट्राइंगल्स की मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, कि एंगल क्या होता है। जब भी दो रेज जो हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो एक एंगल बनता है। जैसे कि नीचे आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास एंगल है ओ ए ए ओ बी। इसमें हमारे पास एक इनिशियल साइड है जिससे एंगल स्टार्ट हो रहा है, और एक हमारे पास टर्मिनल साइड है जिसमें एंगल ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से एक दूसरा हमारे पास एंगल है सी ओ बी, जिसमें उसकी डायरेक्शन हमारे पास जो बीटा एंगल है उसकी डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है हमारे पास अल्फ़ा एंगल की, और बीटा एंगल की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल बनता है, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास, जब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव एंगल बनता है। तो अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव एंगल है और बीटा जो है वो हमारा नेगेटिव एंगल है। तो यहाँ पे दो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, एक डिग्री और सेकंड वन इज़ रेडियन। अब हमारे पास आ गए हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम कौन सा होता है? जो डिग्री, मिनट और सेकेंड का यूनिट होता है। अच्छा, अब हमारे पास वन रोटेशन, यानी कि जब आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं और आप जहाँ से चले थे वहीं पे दोबारा आके ख़त्म करते हैं, रुक जाते हैं, तो आपकी एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है। और कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। इसी तरह से हाफ रोटेशन में हमारे पास 180 डिग्री का, और 1/4 रोटेशन में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कवर होता है। आगे हमारे पास है कि वन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास 360 डिग्री के, जैसे कि पीछे आपको बताया है कि एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। तो इसी तरह से वन डिग्री हमारे पास होते हैं 60 मिनट के इक्वल, जो एक डैश है वो मिनट को जाहिर करती है और डबल डैश सेकेंड को, और वन मिनट हमारे पास 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है कि कन्वर्ट 54 डिग्री 45 मिनट इनटू रेडियंस। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 54 डिग्री इस पूरे को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनट वाला है उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक मिनट में 60, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सारा डिग्री में आ जाएगा। और डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.0175 रेडियंस होती है, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.958 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 5 है, उसमें क्या है कि एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स लेंथ इज़ 132 मिलीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि हमें थीटा एंगल दिया गया और लेंथ एंड इट्स लेंथ इज़ 132 मिलीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द सर्कल में 132 मिलीमीटर दी है। तो कहा गया कि थीटा फाइंड आउट करें। हमारे पास एक रिलेशन होता है, पहले हम ये जो डिग्री में एंगल है इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक रिलेशन होता है एन इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 108 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमें आपको ये भी बता दूँ कि हमारे पास 2π रेडियंस 360 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी कि रेडियन और डिग्री किस तरह से इक्वल होते हैं कि 2π रेडियंस हो तो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो पाई रेडियन 180 के इक्वल, और इसी तरह से पाई रेडियन अगर 180 के इक्वल है तो 1 रेडियन की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, 180 डिवाइडेड बाई पाई करके, यानी कि 1 रेडियन हमारे पास होता है 180 डिग्री ओवर पाई, और इसी तरह से 1 डिग्री हमारे पास होता है पाई ओवर 180 रेडियन। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1, इसमें क्वेश्चन हमें सेक्सागेसिमल सिस्टम में दिया होगा और उसे हमको हमने रेडियंस में चेंज करना है। उसके लिए हम अपने क्वेश्चन को डिग्री में चेंज करेंगे, और डिग्री में चेंज करने के बाद
पाई 1 डिग्री की जगह पे हम पाई ओवर 180 लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर रेडियन में आ जाएगा। इसी तरह से 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 105 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री की जगह पे पाई ओवर 180 रेडियन लिखा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। इसी तरह से हमारे पास इसका 12th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकेंड्स। तो इन सब को हम एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इन सब को डिग्री में चेंज करेंगे। तो मिनट वाले को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड वाले को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा जब डिग्री में आ जाएगा तो फिर हम इसको 9013/120 को हम लिखेंगे, 9013/120 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू पाई ओवर 180 रेडियन पुट कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर रेडियन में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 16th पार्ट है, जिसमें है 3 सेकंड। तो आपको पता है पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे, उसके लिए हम इसको 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो रेडियन में है, उसको हमें हेक्साडेसिमल सिस्टम में लेके जाना है, यानी कि डिग्री मिनट और सेकंड में लेके आना है अपना आंसर। तो ये रेडियन में है पाई ओवर 6 रेडियन, तो पाई ओवर 6 इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन हमारे पास होता है 180 ओवर पाई, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा 12th पार्ट है 13π/16, तो 13π/16 × 1 रेडियन लिखेंगे, 1 रेडियन की जगह पे 180 ओवर पाई डिग्री, और उसके बाद हम इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे और बाकी आंसर देख देंगे तो हमारे पास आएगा 146.25 डिग्री। अब ये सारा डिग्री में है, तो जब भी आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में भी आए, तो आप जो हमारे पास डेसिमल पार्ट से पहले वाला है वो आप उसको डिग्री में ले लें प्लस 0.25 डिग्री, और फिर जो डेसिमल पार्ट है उसको आप अगेन 60 से मल्टीप्लाई करें, तो वो वाला मिनट में चेंज हो जाएगा। और अगर फिर उसके साथ भी अगर आपके पास डेसिमल आए में आंसर आए, तो फिर आप अगेन उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका तो हमारा आंसर जो है वो इस तरह से डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब हम 146.25 को देखते हैं, तो हमारे पास 2.5 को 0.25 को जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा आंसर 15 मिनट आ जाता है, और 15 मिनट आ जाता है क्योंकि अब 15 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, एक होल नंबर है हमारे पास। तो अगर इसमें भी हमारे पास डेसिमल में आता, तो फिर हम डेसिमल पार्ट को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करते और वो आंसर हमारा सेकेंड्स वाला आंसर होता। बहरहाल इसमें हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ मिनट डिग्री और मिनट में आया है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ अ एंगल बिट ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 क्लॉक, यानी कि क्लॉक है उस पर 4 बज रहे हैं, तो आपने बताना है कि मिनट वाली सुई और घंटों वाली सुई के दरमियान जो है वो क्या एंगल बन रहा है। तो हम लोग हमें पता है कि पूरी क्लॉक की पवन रोटेशन में हमारे पास 2π रेडियन होगा, तो 12 o'clock पे भी, यानी कि कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास 12 2π रेडियन होगा, और उसको अगर हम दोनों तरफ 12 से डिवाइड करते हैं तो वो उधर 1 o'clock हो जाएगा और इधर पाई ओवर 6 रेडियन हो जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2π/3 रेडियन आंसर आएगा, विच इज़ 120 डिग्री। तो और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमें कहा गया कि थीटा फाइंड आउट करना है, आपको एल और आर की वैल्यू गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास थीटा का आंसर आ जाएगा 0.6 रेडियन। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमें थीटा जो है वो डिग्री और मिनट की फॉर्म में दिया गया, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और इसके बाद एल इज इक्वल टू आर थीटा की में वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.5 मिलीमीटर।